अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू लर्न डिज़ाइन चैनल। कैसे हैं वाइटी फ्रेंड्स? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं वीडियो में, तो वीडियो के अंदर नहीं बल्कि वीडियो के डिज़ाइन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपके सामने बहुत ही प्यार रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन का ड्रेस लेके आई हूँ। तो इस ड्रेस में आपको स्लीव्स का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ रिक्वेस्ट कि मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, एंड ये बिगनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, द वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर बिगनर्स, तो इसको कोई भी सेगमेंट इसका स्किप मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा कि ब्लैक ड्रेस के साथ रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी कलर हो, इवन येलो हो एंड ग्रीन हो, कोई भी कलर हो जो ब्लैक के साथ मैच किया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको सीरी लेस एंड जॉइन लेस बनाने का तरीका इसके अंदर कैसे लगाए जाते हैं वो तरीका शेयर करूँगी। तो बहुत ही इजी मेथड है एंड बहुत ही आसान मेथड है, और जो न्यू है, जो सीरी लेस लगाना नहीं जानते तो ये मेरी वीडियो देखें, डेफिनेटली उनको अंदाज़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने सीरी लेस का सिरा अच्छे से देख लेने हैं कि इसका फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है, और कपड़े का भी बैक एंड फ्रंट देख लेना है, क्योंकि आज का ब्लैक कपड़ा इस तरह का होता है कि हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता फ्रंट एंड बैक कौन सा है। तो जो सीरी लेस हमने लगानी है उसको फ्रंट पर रख कर हमने एक पाँव की स्पेस से इस तरह सिलाई लगानी है ताकि जो हमारा नेट है, जो हम स्लीव्स के स्लीव्स के अंदर दिखाना चाहते हैं, वो अच्छे से हमें नज़र आए। तो अगर हम स्पेस का ख्याल नहीं रखेंगे तो जब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारे नेट के साथ हमारा जो रेड कलर का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी हमें नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, बड़ी केयरफुली के साथ अब हमारी सीरी लेस तो लग चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर सेकेंड सिलाई लगानी है, और सेकेंड सिलाई लगाने का मकसद ये होता है कि जब आप ये कोई भी सीरी लेस वगैरह लगाते हैं तो उसके निकलने का कोई डाउट नहीं रहता। अगर आप नहीं लगाते तो उसका ये होता है कि जब आप पहनते हैं कुछ टाइम बाद शावर, जब आप कपड़े को जितना वगैरह आप शावर करते हैं या धोते हैं जो भी करते हैं, तो उस दौरान ये निकल जाती है, लेकिन सेकेंड सिलाई लगाने से ये मज़बूत इसकी ग्रिप हो जाती है और ये नहीं निकलती। तो यहाँ पर आप देख चुके होंगे कि यहाँ पर सेकेंड सिलाई लग चुकी है। अब हम जो इसका ज़ाहिर सी बात है, हम ये सीरी लेस सेंटर में ऐड कर रहे हैं तो हमारा राइट वाला कपड़ा मौजूद होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम राइट वाले कपड़े को भी इस सीरी लेस के साथ स्टिच कर लेंगे जैसे हमने पहले किया है। वीडियो को गौर से देखा करें एंड इसके हर स्टेप को नोट किया करें, तभी आपको डिज़ाइन का सही पता चलेगा। जब आप इसको लीव करके देखते हैं तो आपको भूल जाता है, या इसमें से आपको लगता है कि डिज़ाइन कैसे बनाया गया है, तो वो मिस कन्फ्यूजिंग पैदा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली सीरी लेस ऐड हो चुकी है, और अब हम सेकेंड सिलाई भी इसके ऊपर लगा देंगे ताकि हमारी सीरी लेस अच्छे से नज़र आए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने खूबसूरती से सीरी लेस लग चुकी है, और उसके ऊपर भी हमने डबल सिलाई लगाई है लेफ़्ट एंड राइट, तो जिससे ये है कि अगर आप प्रेस नहीं भी करेंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। अब बारी आती है जॉइन लेस लगाने की। तो जॉइन लेस भी सेम इसी तरह लगानी है जैसे हमने सीरी लेस लगाई है, लेकिन इसका फ़र्क ये होता है कि जॉइन लेस के सिरे थोड़े मज़बूत होते हैं, और इसको अगर हम सिलाई नहीं भी डबल लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, हम सिंगल सिलाई से भी इसको स्टिच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितने खूबसूरती से और सिंपल मेथड से बहुत ही जूमली आपको वीडियो बना के दिखाई गई है, ताकि आपको सही से पता चल जाए कि कहाँ पर सिलाई लगानी ज़रूरी है और कैसे सिलाई लगाई गई है, कितना इसमें स्पेस रखा गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट इसका जो हेड है वो अटैच हो चुका है। अब हम इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे, और एज़ यूजुअल से कि जिस तरह हमने सीरी लेस पर सिलाई लगाई थी, इसी तरह हम इस जॉइन लेस के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे ताकि इसकी भी फिनिशिंग अच्छी नज़र आए। अब हमने ये भी जॉइन लेस मिड में लगानी है, तो जो इसका राइट कपड़ा है वो भी अब हमने लेस वाले कपड़े को ऊपर रखना है और सिंपल वाले को नीचे रखना है, और इस तरह हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी सिलाई सीधी लग रही है और कहीं लेस के मिड में ज़्यादा तो नहीं सिलाई लग रही। इसी तरह तरतीब से भी हमारी सिलाई लग जाएगी और सेकेंड लेस भी सही से सेट हो जाएगी।
हमारी यहाँ पर लग चुकी है और बहुत ही सिंपल तरीके से अब हम सेकंड सिलाई भी यहाँ पर लगाएंगे जो हमने पहले लगाई थी, इसी तरह अब हम इस पर भी लगाएंगे और ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिलाई लग चुकी है और हमारे स्लीव्स की जो जॉइन लेस है एंड सेकेंडरी लेस है वो ऐड हो चुकी है, तो बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत तरीके से लग चुकी है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही इजी मेथड है बिगनर्स के लिए। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि कोई भी वीडियो का सेगमेंट हो उसको कट मत किया करें, मुकम्मल देखा करें। और आई होप जब आप कोई वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आपको लगाने का डिज़ाइन और बनाने का डिज़ाइन मेथड अच्छे से समझ आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा स्लीव्स कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब इसका फ्रंट पर आप चाहें पाइपिंग भी लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर ब्लैक कपड़ा चूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके फ्रंट पर पर्ल लगाने हैं। आप यहाँ पर कोई भी मोती लगा सकते हैं, रेड भी लगा सकते हैं एंड ब्लैक भी लगा सकते हैं, आप छोटे भी लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब जो कपड़ा था अब हमने उसको कर लिया है फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पर प्रेस नहीं किया तो मैं प्रेस के बगैर यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। और जो कपड़ा लगाया था उसको अब हमने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद स्लोली एंड बड़े अच्छे तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता से कपड़े को फोल्ड करते करते जाना है और सेकेंड आपने सिलाई लगाते जाना है। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा तरीका मैंने आपको सिखाया है और बहुत ही इजी तरीका है एंड कोई भी इसको इजीली बना सकता है। तो यहां पर स्लीव रेडी हो चुके हैं एंड यहां पर मैं आपको बताती चाहूँ कि अगर आपको थ्री लेस के अलावा पिनटेक्स भी पसंद है तो आप इसके अंदर पिनटेक्स भी ऐड कर सकते हैं और आप ब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं पिनटेक्स एंड बड़े वाले भी कर सकते हैं और जॉइन लेस के राइट एंड लेफ्ट एंड सीरी लेस के राइट एंड लेफ्ट पे बना सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल के साथ कनेक्ट हैं तो आपको याद होगा कि मैंने बहुत सारे स्लीव्स के डिज़ाइन शेयर किए थे, उसके अंदर काफ़ी सारे पिनटेक्स के डिज़ाइन भी थे, जॉइन लेस के डिज़ाइन भी थे। तो आज सोचा आपके साथ ये सिंपल सी वीडियो शेयर की जाए और आपको सिंपल सा आइडिया दिया जाए जो बिगनर्स हैं और उनके लिए बहुत ही प्यारा आइडिया है क्योंकि वो इजीली सीख सकते हैं। और बहुत ही जूमिंग तरीके से मैंने आपको सिखाया है और बिल्कुल पास करके, क्योंकि ये ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर को थोड़ा कैमरे में थोड़ा अजीब सी लुक देता है, लेकिन ये ओरिजिनली में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये स्लीव्स बहुत ही प्यारे लगते हैं रियल में अगर आप इसको पहने, या यही डिज़ाइन अगर आप चाहें तो अपने दामन पर भी बना सकते हैं और दामन के फ्रंट पर इस तरह बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो आई होप आपको मेरी ये स्टिचिंग वाली वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करते जाइएगा। सो जब इस स्लीव्स के साथ साथ इसी ड्रेस का आपको निक का डिज़ाइन भी शेयर करती जाऊँ। बहुत ही प्यारा निक का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि कर्व फॉर्म में बनाया है और इसके ऊपर थोड़ा पर्ल का काम किया है। तो आई होप ये डिज़ाइन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहें और प्यारे प्यारे से कमेंट करते जाया करें। और इतनी मेहनत से वीडियोस बनाई जाती हैं जस्ट फॉर डिज़ाइन के आपको आइडियाज़ मिले और आपको डिज़ाइन का अंदाज़ा हो। तो समर के हिसाब से भी डिज़ाइन यहाँ पर अवेलेबल हैं और विंटर के हिसाब से भी हैं। तो आपको मेरी वीडियो कितनी अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।